तो कैसे हैं आप? यहाँ पर Xiaomi ने Mi CV एक न्यू सीरीज है जो कि चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है। जैसे चाइना के अंदर लॉन्च हो चुकी है ये वाली सीरीज Xiaomi Mi CV, ये एक गाड़ी का नेम भी कह सकते हैं, होंडा सिविक जैसे कि पाकिस्तान के अंदर चल रही है ये वाली गाड़ी Xiaomi ने अब फोन में स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जो Xiaomi ने इस वाले फोन के जो स्पेसिफिकेशन जो ऐड की है ना वो कमाल की होने वाली है। तो आज हम 100% यहाँ पर ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। हम वो स्पेसिफिकेशन आपके साथ नहीं शेयर करेंगे जो कि हमें वेबसाइट के थ्रू मिलती हैं, हम आपके साथ शेयर कर दें। बट यहाँ पर हम चाइनीज मार्केट के अंदर फोन की ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन है वो आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। कमाल हो गया, काफ़ी 2-3 घंटे से हम सर्च कर रहे थे इस वाले फोन की ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को तलाश करने में, हमें मिल चुकी हैं ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो यार जिस किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना जो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। डिजाइन वाइज बात करें तो देखने में फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। जैसे हम बात करें Vivo का Y31 Y51S डिजाइन होने वाला है, जैसे कुछ बैक से जो कैमराज होने वाले हैं तो जैसा डिजाइन अभी Xiaomi का फोन के अंदर हमें मिलने वाला है। तो होगा स्लिम सा डिजाइन क्योंकि हाल ही में जो MediaTek ने MediaTek Helio G95 वाला प्रोसेसर लॉन्च किया है ना वो हमें फोन के अंदर काफी ऐसे फोन है जो कि आने वाले पाकिस्तान में उनमें मिलेगा, ये G95 वाला प्रोसेसर मिलेगा जिसमें हम इन्फिनिक्स की बात करें एंड टेक्नो की बात करें टेक्नो कैमोन 18 सीरीज के अंदर हमें Helio G96 वाला प्रोसेसर एंड इन्फिनिक्स 0X सीरीज के अंदर Helio G95 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है। ये फोन को लॉन्च करेगा जिसमें ये प्रोसेसर इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी खासी टक्कर देने वाला है, बैटरी लाइफ भी अच्छी होने वाली है एंड इस वाले प्रोसेसर की अगर हम एंड्रॉइड स्कोर वगैरह की बात करें ना 5 लाख से ऊपर होने वाले हैं, MediaTek के 3 लाख के करीब हैं बट 5000 कमाल होने। गेमिंग वगैरह की बात करें हीटिंग इशू वगैरह इस वाले प्रोसेसर में बिल्कुल नहीं मिलने वाला एंड फोन से अगर हम रैम वेरिएंट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर हमें फोन का जो रैम वेरिएंट मिलेगा 8 128 GB 8 256 GB दो वेरिएंट हैं। जो कैमरा वाइज बात कर लें यहाँ पर हमें 64 MP का मेन कैमरा मिलेगा, साथ 8 का अल्ट्रा वाइड एंड 5 का टेलीफोटो लेंस, 32 की सेल्फी मिलने वाली है। यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 4500 mAh की बैटरी के साथ साथ 55 W की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। 55 W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी हमें, कमाल होगा इस बार एक अच्छा फास्ट चार्जर मिलेगा हमें Xiaomi का फोन के अंदर और साथ में यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी अगर होती तो कमाल का फोन हो सकता था बट 4500 mAh की बैटरी भी बेस्ट होने वाली है। कैमरा वाइज प्रोसेसर वाइज एंड फास्ट चार्जिंग वाइज क्योंकि 55 W की फास्ट चार्जिंग के साथ 64 MP एंड स्नैपड्रैगन 778 वाला प्रोसेसर 5G प्रोसेसर मिलेगा। इसके थ्रू अगर प्राइस जस्ट प्राइस सबसे बेटर होती है कि फोन की प्राइस क्या होगी पाकिस्तान के अंदर अगर इस वाले फोन को लॉन्च किया जाता है 35 से 40 हज़ार की रेंज में ये वाला फोन हमें पाकिस्तान के अंदर मिल सकता है। बट अभी हम लॉन्चिंग डेट वगैरह अभी कन्फर्म नहीं हुई बट अभी तो Xiaomi की 11T सीरीज है जो कि इसी जस्ट नेक्स्ट मंथ जो कि लॉन्च हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद ही अब Xiaomi की ये वाली सीरीज हमें देखने के लिए मिलेगी पाकिस्तान के। Xiaomi Mi CV सीरीज है, अभी आपको अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने हमारी वीडियो को देख लेते हैं आप बट लाइक नहीं करते तो यार लाइक कर दीजिएगा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ओके अल्लाह हाफिज़।